गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन जी, हाउ आर यू ऑल? क्या कर रहे हैं जी? यानी कि जो कल हमने एनिमल्स देखे थे, जिनके बारे में पढ़ा था, उनके बारे में डिस्कस किया है अपने फ्रेंड से, किया है, मज़ा आया इसमें? और किससे डिस्कस किया था जी? अपने पेरेंट्स से भी किया था, वेरी नाइस। फिर उन्होंने क्या कहा? वाह, उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं बहुत अच्छे बच्चे हो गए हैं, रोज़ाना इतना अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं और आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जा रही है ना? चले जी, अब आप क्या करेंगे? आपको याद है कि हम गए थे एक बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी किसकी थी जी? बेबी बेयर की थी। तो बताइए, उस बेबी बेयर की पार्टी में हम लोग किन लोगों से मिले थे? बहुत से फ्रेंड्स से मिले थे ना। वो कहाँ कहाँ रहते थे? कुछ एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते थे, कुछ वाटर में रहते थे, कुछ फ्लाई करते थे, है ना जी? ये चीज़ें हमें याद है ना? यस। अब देखें, हमारे जो वहाँ पे एक एनिमल आए थे ना, पैरेट साहब, उन्होंने एक डायरी लिखी है अपनी जी। उन्होंने डायरी लिखी है, यानी कि उनकी एक प्रैक्टिस है, उनकी एक आदत है कि जब वो कहीं चीज़ पे कहीं जाते हैं या कोई इनके साथ कोई ओकेजन होता है, कोई पार्टी करते हैं, तो वो उसके बारे में लिखते हैं जी। आप लिखते हैं ऐसा? नहीं लिखते? लिखा करें जी कि मैंने आज मेरे इस पूरे दिन में क्या हुआ मेरे साथ में, मैंने कौन से अच्छे काम किए, कौन से ख़राब काम किए जो मैं कल अब नहीं करूँगा, ठीक है? चले, अब हम देखते हैं कि हमारे जो पैरेट साहब हैं, इन्होंने क्या डायरी लिखी है और उस डायरी में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो वो भूल गए हैं, तो हम उन्हें याद दिला देंगे, है ना? क्योंकि हम भी तो उनके साथ पार्टी में गए थे, तो हम बता सकते हैं कि उस पार्टी में क्या क्या हुआ था। चले जी, अब आप क्या करेंगे? पेज नंबर 18 खोलेंगे और वहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्लीट द डायरी ऑफ अ पैरेट हु अटेंडेड बेबी बेयर्स बर्थडे पार्टी। अब डायरी उनकी है, डियर डायरी, टुडे आई वेंट टू बेबी बेयर्स बर्थडे पार्टी। आई एंजॉयड अ लॉट। आई मेट, किससे मिले थे? यस, ऑल माई फ्रेंड्स जी। दे केम फ्रॉम, वो कहाँ कहाँ से आए थे बताइए? लैंड, वाटर, एयर। लैंड, वाटर, एयर, वेरी गुड। व्हेन आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे आई वुड लाइक टू इन्वाइट। अब वो किसको बुलाएंगे उसके अंदर? आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स। लाइक, कौन कौन से फ्रेंड्स थे वहाँ पे? बहुत सारे, एलिफेंट, जिराफ, मंकी एंड मैनी मोर। पैटी द पैरेट जी, यानी कि हमने कितनी आसानी से पैरेट साहब की डायरी कंप्लीट कर दी, है ना? चले जी, अब डायरी कंप्लीट हो गई है पैरेट साहब की, अब हम क्या करते हैं? न्यू एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? हमारे पास मौजूद है यहाँ एक्सप्लोर की एक्टिविटी। एक्सप्लोर की एक्टिविटी में क्या करना है हमने? हमने ये करना है, सॉर्ट एंड लिस्ट, यानी कि इसमें भी हमें बहुत से एनिमल्स के नाम दे दिए हैं और उसमें हमें सॉर्टिंग करनी है, बताना है उसमें कि उनमें सी एनिमल्स कौन से हैं, उसमें लैंड एनिमल कौन सा है और स्काई एनिमल कौन सा है। वेरी नाइस, यानी कि हमने इस तरह की एक्टिविटी पहले भी की थी। अब हम जो हैं, यानी कि हमें पता चल गया है कि हम आराम से बता सकते हैं कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, कौन से एनिमल्स वाटर पे रहते हैं और कौन से एयर पे रहते हैं। तो अब हम जो हैं इसकी और प्रैक्टिस करते हैं और एनिमल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है? मैं आपकी मदद करूंगी और हम मिलके जो हैं इसकी सॉर्टिंग कर लेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है? यहाँ पे बने हुए हैं 3 कॉलम्स। पहला कॉलम है सी एनिमल्स का, दूसरा कॉलम है लैंड एनिमल्स का और तीसरा कॉलम है स्काई एनिमल्स का। वेरी गुड। और ऊपर लिखा हुआ है वर्ड बैंक। उस वर्ड बैंक में सारे, इतने बहुत सारे एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। चले, वन बाय वन हम जो है इनकी सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है? चले जी, टर्टल। टर्टल कहाँ रहता है? टर्टल साहब रहते हैं जी पानी में रहते हैं, तो ये हुए सी एनिमल। यहाँ लिखेंगे हम सी एनिमल में जी। अभी आपने सिर्फ सुनना है,
और आपने काम जो है वो इस वीडियो के बाद करना है, ठीक है? वेरी गुड। अब है हमारे पास रैबिट। रैबिट सब कहाँ होते हैं? यस, वेरी गुड, लैंड पे। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? लैंड एनिमल पे। वेरी नाइस। नेक्स्ट है पिजन। पिजन कहाँ होते हैं? जी स्काई पे, स्काई एनिमल्स। अब होती हैं पैरेट साहब। पैरेट साहब कहाँ होते हैं? वेरी गुड, ये भी कहाँ होते हैं? एयर में। तो ये क्या हुए? स्काई एनिमल्स। हम लिखेंगे इसके स्काई एनिमल्स में। अब क्या है हमारे पास? टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज कहाँ होता है? टर्टल साहब होते हैं सी में और टॉर्टॉइज होते हैं लैंड पे। तो हम इसे लिखेंगे लैंड एनिमल्स में। चले जी, ये भी सॉर्टिंग हो गई हमारी। अब जेब्रा साहब कहाँ होते हैं? ये तो बहुत ईजी है, ना ये उड़ते हुए नज़र आते हैं ना ये पानी में नज़र आते हैं। तो ये कौन है? लैंड एनिमल। कहाँ लिखेंगे? लैंड पे। वेरी गुड। स्टारफिश। स्टारफिश कहाँ होती है? बिल्कुल वाटर में। तो ये कौन से एनिमल हुई? सी एनिमल्स। वेरी नाइस। अब क्रैब। क्रैब भी सी एनिमल्स। वाओ, कितनी आसानी से हम ये लिस्ट बना रहे हैं ना। जी स्पैरो। स्पैरो कहाँ नजर आते हैं? हवा में उड़ता हुआ। तो फिर ये हुआ स्काई एनिमल। डॉग। डॉग हमें कहाँ नजर आता है भाई? जी हम तो बाहर निकलते हैं घर से और हमें डॉग जो है यहाँ से वहां फिरते हुए नजर आते हैं। तो यानी कि ये क्या है? लैंड एनिमल। लैंड एनिमल में लिख देंगे इसे। ईगल। जी ईगल साहब कहाँ जाएंगी? जी उड़ती हुई नजर आती है हमें। तो फिर ये हो गई स्काई एनिमल। वेरी नाइस। लास्ट है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ होता है? कभी देखा है बाहर गली में? नहीं देखा। उड़ता हुआ भी नजर नहीं आता। कहाँ होता है ये? वेरी गुड, ये होता है सी में। तो इसे कहते हैं सी एनिमल्स। जी तो फिर हमने आज क्या किया? कितनी आसानी से सोच के समझ के हमने अपनी लिस्ट तैयार कर ली, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे और फिर खुद से लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताइएगा कि किस तरह से हमने सोच के समझ के हमने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है? और फिर आप इस लिस्ट की, इस काम की पिक्चर जो है अपनी टीचर को भेज दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद हम कल मिलते हैं न्यू एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.